गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ सीएनजी के तरफ ध्यान रखेंगे। बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस के साथ साथ आपको इसका सोर्स भी पता होना चाहिए, सीएनजी आया कैसे और कैसे ये डेवलप होते गया और कितने कितने कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया। आज आप देख रहे हैं कि सीएनजी मार्केट जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है और हम 15% के टारगेट पे अपने इंडिया में काम कर रहे हैं। अभी जो हम 7 से 8% ही जो नेट फ्यूल कंजम्पशन है उसका हम सीएनजी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब अपना टारगेट है कि सीएनजी और सीबीजी को अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ नेट फ्यूल कंजम्पशन का जो है हम टारगेट अचीव कर पाए। इसी वक्त मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा आप हिस्ट्री के बारे में भी जानें। हिस्ट्री जानना इसलिए जरूरी है कि सीएनजी कब आया, क्या सोर्स है सीएनजी का और क्यों हम इतना इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी का जो खोज है वो सन 1600 ईस्वी में ही हो चुका था, यानी कि 16th century में ही सीएनजी यूएसए में खोजा जा चुका था। विलियम हार्ट नामक व्यक्ति ने इसको जान चुका था कि सीएनजी है जिसे हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सन 1800 में यूएसए ने पहली बार सीएनजी का यूज किया, पहली बार सीएनजी इंजन डेवलप किया जिससे कि आप गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन वो सन 1800 यानी कि उतना डेवलपमेंट नहीं हो चुका था, इसलिए मार्केट में आने में काफी देर हो गया। कोलंबिया नेचुरल गैस ने फर्स्ट एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल एक शिप में टेस्ट किया था, लेकिन उसमें क्या था, बड़े बड़े सिलेंडर लगा के और ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करने में बताया गया कि काफी कॉस्टिंग बढ़ रही थी, यानी कि हाई कॉस्ट के कारण वो जो आइडिया था वो फ्लॉप हो चुका, यानी कि वो फेल हो चुका। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए तो पहले यूज कर ही चुका था, सन 1800 में इंजन डेवलप कर चुका था, लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप और इटली जैसी देश ने सीएनजी यूज करना चालू किया। सीएनजी का सोर्स क्या था, सीएनजी जमीन के अंदर से आता है, आपको पता ही है, कंप्रेस नेचुरल गैस, और ये एक ऑयल का सेपरेट पार्ट है, ये सेपरेटेड पार्ट ऑफ ऑयल जो अपना जो हम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं वो उसका एक सेपरेटेड पार्ट है। अब जब हम बात करते हैं कि सीएनजी हानि क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है ना सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो मीथेन का होता है, इसलिए हम इसको ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं और इसको हम येलो कलर से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो काफी गैसेस इसमें मिक्सचर्स ऑफ गैसेस होते हैं, बट जो मेन मात्रा जो होती है वो मीथेन का वो ज्यादा होती है। अच्छा एक चीज याद आ गया यार, एक बंदे ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया था कि आप रूम में बैठ के 5 मिनट की वीडियो बना के क्या बताना चाहते हो, आप साइट पे बनाओ। मेरे दोस्त मैं बताऊं कि साइट पे वीडियो नहीं बना सकते, वो अलाउड नहीं है, फोटो खींच के मैं डिस्प्ले पे देता हूं। और रही बात मैं क्या सिखा पाता हूं आपको, तो मेरी वीडियो से कोई एक बंदा भी सीख ले तो मेरे को उसी से सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर आप मेरे से बेहतर कर सकते हो तो आप भी वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे अपलोड करो और पैसे कमा लो। मेरा इंटेंशन नॉलेज शेयरिंग का रहता है, इसलिए मैं नॉलेज शेयर करते रहता हूं। अब आते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सीएनजी 1991 में अवेलेबल हो गई थी, बट कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड ना होने के कारण सीएनजी का व्हीकल जो है वो रन नहीं हुआ। लेकिन 1993 में यानी कि 1993 में दिल्ली में 3 सीएनजी पंप स्टार्ट हो चुके थे और गाड़ियां चलनी चालू हो गई थी। सन 2010 से मारुति सुजुकी ने सीएनजी कंपनी फिटेड गाड़ी लॉन्च किया और जब से आज का मार्केट देख ही रहे हो, एवरी ईयर जो एक रिपोर्ट बता रहा है कि 3x मतलब कि 3 गुना ज्यादा, जो लास्ट ईयर हुआ उससे 3 गुना ज्यादा सीएनजी व्हीकल्स अब मार्केट में निकल रहे हैं। और आज के डेट में सीएनजी का जो अडॉप्शन है वर्ल्ड वाइड हो चुका है, क्योंकि एक इतनी बड़ी नेचुरल गैस बन चुकी है कि इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इसको भी डर में इसका भी एक डर है कि कहीं फ्यूचर में खत्म ना हो जाए, इसलिए अब लोग ईवी और सीबीजी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस आपके पास है उसका यूज किया जा सके। अभी के डेट में, करेंट डेट में सीएनजी का जो एक ओन करता है वो मेनली गेल इंडिया करता है और वही पाइपलाइन के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है और जितनी भी सीजीडी कंपनीज हैं उसी से परचेज करके एक नॉमिनल रेट में उसका सेलिंग कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये पार्ट वन था, और भी पार्ट अपने आएंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री के तरफ, थोड़ा सा सीएनजी के बारे में डीप जानने के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए और मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।